सर कैसी लगी जवान? बहुत ही शानदार, एक नंबर पैसा वसूल। ऐसी फिल्म देखकर ही लगता है कि भैया क्या फिल्म देखी है, मतलब कि क्या ही शानदार फिल्म देखी है, क्योंकि कहानी, स्क्रीन प्ले, स्क्रिप्ट राइटिंग, हर एक चीज़ में परफेक्ट। क्या खास लगा कहानी में आपको? मेरे को इस फिल्म की मेन कहानी और इस फिल्म का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा तगड़ा लगा है, मतलब कि अगर आप पठान से अच्छी लगी, पठान से ज़्यादा अच्छी लगी है कहानी के मामले में, बाकी एक्शन के मामले में पठान से थोड़ा सा वीक है एक्शन के मामले में जी, और बाकी देखा जाए तो मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है। हाँ, इस फिल्म में जिस हिसाब से मुद्दे उठाए गए हैं और जो लड़कियां इनके साथ हैं शाहरुख खान के साथ, तो उनकी जो पर्सनल लाइफ दिखाई गई है फिर उसको एक फिल्म में एक कॉन्सेप्ट के रूप में डाला गया है जी, जैसे किसान का और हॉस्पिटल का, फिर उसके बाद उनका पर्सनल जो शाहरुख खान का वो अलग ही है। तो इन सभी चीज़ों को देख कर ये पता चल रहा है कि आप एक फिल्म के साथ साथ तीन चार फिल्में देख के आ गए हो, समझ रहे हो जी। और जिस सबसे इसमें मुद्दे उठाए गए तो उनको देख के तो ये लग रहा है कि भाई सीधे प्रहार किया शाहरुख खान ने बीजेपी सरकार पे, मतलब कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल लग रहा है जी। कंट्रोवर्शियल लग रहा है आपको? कंट्रोवर्शियल लग नहीं रहा क्योंकि कमर्शियल फिल्म है, इसमें पर्टिकुलर किसी के ऊपर हेट नहीं दी गई है जी। लेकिन अभी जिस हिसाब से माहौल चल रहा है और उसके जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि किसान का आत्महत्या करना और वो जो ऑक्सीजन गैस वाला वो था, ठीक है, तो सेम कांड ऐसा हुआ था, मेरे को याद नहीं है, मैंने देखा था न्यूज़ पे, सेम कांड वही हुआ था और उनके डॉक्टर को भी इसी तरह उलझा दिया गया था जैसे उसमें लड़की को उलझा दिया गया था। और जो विजय सेतुपति हैं उनके लुक को विजय माल्या से कंपेयर किया जा रहा है कि उनका लुक ऐसा पैसा खाने वाले, जैसे विजय माल्या खा के 900 करोड़ भग गया था, इसमें 400 करोड़ खा के भग गया। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, तो इससे पता चलता है कि भाई सीधा सीधा बीजेपी सरकार पर वार हुआ है। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि शायद हम लोग एज ऑडियंस ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और उन्होंने कुछ और ही सोच के बनाया हुआ, लेकिन अभी जो पर्टिकुलर जो सामने कहानी को देख लग रहा है भाई, ये लग रहा है कि सीधा सरकार पे वार है। अच्छा, कितने स्टार? अच्छी चीज़ है। कितने स्टार देना चाहेंगे? मैं इसको दूंगा 5 में से 4.5 स्टार, आधा स्टार मैं इसलिए काटूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्शन को लेकर पठान से कम है। ओके, थैंक यू।